अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, जहाँ भी होगे खुश होगे एंड मज़े में वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। गेम प्ले आप लोग आज का काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। जैसे कि आपने देखा कि ये पूरे का पूरा स्क्वाड मेरे पीछे पड़ जाता है। अब ये लोग मुझे फॉलो करते हुए पुचिंकी तक आ जाएंगे। मैं इनको पुचिंकी इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि यार ओपन में फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फुल स्क्वाड के साथ फाइट करने के लिए मैं कंपाउंड्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब ये फुल स्क्वाड मेरे पे एक साथ पुश करने वाला है। अब आप लोग देख सकते हो स्पीकर मेरा हाल पे है, मतलब जो मेरे लेफ्ट में मैंने बंदा नॉक किया ये बंदा नहीं बंदी है। तो मैं कहता हूँ यार क्लचेस तो रोज ही करते हैं, इसको उठाओ इसके साथ गपशप करते हैं, काफी मजे का सीन होने वाला है। सीन चेक करो। हेलो हाउ आर यू, अरबी मेरे पे नेड्स वगैरह करा रहे होते हैं, मैं लेकिन बड़े आराम से इसके साथ गपशप कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कभी भी इस पे नेड नहीं कराएंगे वरना ये फिनिश हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सीन ऐसे होता है कि जैसे ही मैं इसके पास से हटूंगा भाई साहब अरबियों को तो फुल ही गुस्सा होता है। इनका प्री फायर चेक करो एंड इनके नेड्स वगैरह चेक करना। अब यहाँ पर ये जो मैंने अरबी की गाइस 50% एचपी डाउन की है ना, ये एक ट्रिक होती है कि दूसरे वाला अरबी भी पुश करे लेकिन वो नहीं पुश कराता। यहाँ पे मैं फर्स्ट एड लगाऊंगा, एक अरबी दूसरे को रिवाइव दे रहा है तो पीछे एक ही बंदा बचा है एंड इसके मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप आ जाते हैं तो मैं जंप करा देता हूँ। ये लोग ऑल डेड नहीं होते क्योंकि इनके पास स्क्रैप होता है एंड मैं प्री फायर इसलिए दे रहा होता हूँ कि मुझे लगता है शायद लास्ट वाला बंदा अभी भी अलाइव है। खैर चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ। ये वाली फाइट आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। ये जो स्किन्स वाले बंदे देख रहे हो ना यार, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा किल फीड चमकाई थी। इन्होंने पूरे का पूरा मिलिट्री बेस खाली किया था एंड इसी स्क्वाड का एक बंदा मेरे सामने से आ रहा है। मैं चाहूँ तो इस बंदे को आराम से फिनिश करा सकता हूँ लेकिन मैं इस बंदे को फिनिश नहीं कराता। मैं कहता हूँ यार इसको थोड़ा गलत मार दिया, इसकी पूरी स्क्वाड को चांस देते हैं। वैसे वाला क्लच यार थोड़ा मज़ा भी कराता है। और देखते ही देखते भाई साहब स्मोक चेक करो, ये अरबी अपने बंदे को यहाँ पे बचा लेते हैं एंड अब ये पूरी स्क्वाड मेरे पे पुश कराने वाली है। एक बंदा मेरे सामने से पुश करा रहा है, एक बंदा राइट से पुश करा रहा है और एक बंदा रूफ टॉप है जो कभी भी जंप करके सामने से आ सकता है। तो मैं जल्दी से एक नेट पिन करता हूँ, पहले मैं ये नेट लेफ्ट पे करने की सोचता हूँ फिर राइट पे बंदा क्लोज इन करता है तो ठीक है। ये बंदा नेट से ना कोई था, एक बंदा पुश कर आ रहा है। आइए गाइस दो बंदे डाउन हो गए हैं। ये बंदा मेरी एचपी काफी ज्यादा डाउन कर देता है, हालांकि मैं इसको पहले प्री फायर मार रहा होता हूँ। जल्दी से मैं एक फर्स्ट एड किट लगा लेता हूँ एंड सामने नेट कराने की सोचता हूँ क्योंकि मुझे यकीन होता है कि ये बंदा यकीनन अपने बंदे को सीढ़ियों पे रिवाइव कर रहा होगा। एंड ऐसा ही होता है, एक बंदा यहाँ पे और नॉक हो जाता है एंड पहले वाला बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है और लास्ट वाले बंदे की मुझे बाहर से हियरिंग आती है। आइए गाइस यहाँ पे स्क्वाड ऑल डेड हो जाते हैं, मतलब ऑल नॉक हो जाते हैं। ऑल डेड नहीं होते, पता नहीं यार ये स्क्रैप वाला सिस्टम कब खत्म होना है एंड हमें दोबारा से ऑल डेड देखने को मिलना है। खैर आते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ। ये जो प्लेन वाला बंदा आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड मेरे नीचे है एंड अब ये स्क्वाड मेरे पे एक साथ पुश करने वाली है। तो सीन चेक करो। यहाँ पर मुझे हील करने की ज़रूरत होती है तो मैं दूसरी वाली बिल्डिंग जंप कराने की सोचता हूँ एंड जिस टाइम मैं जंप कराता हूँ बंदा मेरा फिसलता है एंड भाई साहब मैं गिर के नॉक हो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होता है। कमेंट करके बताओ कि अगर मैं पीछे जाके हील कर लेता तो क्या मैं इन पर क्लच कर पाता। खैर आते हैं हमारी आज के गेम प्ले की लास्ट फाइट की तरफ। ये गाइज उसी गेम प्ले का बाकी हिस्सा, जो मैंने अभी मिलिट्री बेस का क्लच लगाया ना ये उसी का बाकी पार्ट है एंड लास्ट जोन की काफ़ी ज़्यादा मज़े की फाइट थी तो मैंने सोचा यार ये डाल देनी चाहिए। सामने मेरे एक बंदा आता है, इसको यहाँ पर मैं नेड कराता हूँ। आइए गाइज अब एक बंदा कब से ये दरख्त पे खड़े होके नेड्स वगैरह करार होता है तो अब मेरी बारी है इस पर नेड कराने की। गाइज आप लोग देख सकते हो कि इस वाली गेम प्ले में मेरी जो एमएस है ना वो 150 है। मिलिट्री बेस के टाइम में मेरी एमएस ठीक थी बट उसके बाद मेरी ऐसी ग्लिच की कि मेरी इस फाइट में पूरी एमएस 150 रहने वाली है। सामने मुझे विंडो पे एक बंदा स्पॉट होता है। अब मुझे नहीं पता पीछे एक बंदा बचा दो बंदे बचे हैं लेकिन मैं ओपन में रश कराने की सोचता हूँ।
ये यहाँ पर तीन ही बंदे होते हैं, अब बजता है एक बंदा एंड मुझे इसकी लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। मैं दरख्त पे खड़े होकर हील करने की सोचता हूँ एंड लास्ट वाला बंदा यहाँ पे खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। आइए गाइस हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर का। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।